छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि भाजपा नेत्री सरोज पांडे अपना चार्मिंग चेहरा गड्ढे में दिखाती हैं। उन्हें समझना होगा कि यहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, चार्मिंग चेहरा को अच्छी चिकनी सड़क पर भी दिखा सकती हैं। साहू ने बताया कि रमन सिंह को ही जानकारी होगी 30,000 किलोमीटर सड़क कहाँ गायब हो गई। कुछ बातें सुर्खियों में है कि 62,000 किलोमीटर सड़क भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनवाई थी, आंकड़े जो आते हैं 32,000 किलोमीटर का है, तो 30,000 किलोमीटर सड़क आपने गायब कहाँ कर दिया? बनाने वाले ही बताएं कहाँ पे है करके, इसके बाद गायब हम लोग, सड़क ऐसी चीज है ना उसको छुपाया जा सकता है ना गायब किया जा सकता है। बनाने वाले ही बताएं कि सर किस तरह 62,000 किलोमीटर बनाए थे। हमारी टोटल सड़क है सर NHADB से जो हम लोग कर रहे हैं PWD से, 32,000 से बढ़कर 34,000 हो गया है, 34,000 किलोमीटर करीब हमारी पूरी सड़कें हैं और सभी सड़कों में काम चल रहा है। सरोज पांडे ने विगत दिनों, सरोज पांडे एक गड्ढे में रोड में अपना चार्मिंग फेस डलवाई थी, अच्छा ये रोड खराब है करके, तो कोई भी सड़क जो बनता है 20 किलोमीटर के सड़क है, जब उसको खोदते हैं तो गड्ढा तो होगा ना बनाने के लिए, कि उसको खोदो और उसी रात पूरा बन जाए तो होता नहीं समझ। तो गड्ढे के जगह हम खड़े हो बनाना, वैसी कहीं अच्छा चिकना सड़क दिख रहा है वहाँ भी खड़े हो फोटो खींचवा डलवा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा लोगों को। ये चार्मिंग कैसे समझ में नहीं आया, चार्मिंग सड़क की चार्मिंग बोल रहा हूँ, सड़क जो चार्मिंग है वहाँ भी खड़े होके खिंचवा लें, गड्ढे में खड़े हो खिंचवाने की इन लोगों का आदत है, जहाँ चार्मिंग दिख रहा है बढ़िया हमारा सड़क चिकना दिख रहा है जहाँ सड़क। तो 30,000 किलोमीटर सड़क गई कहाँ गई, अब वो रमन सिंह ही बता पाएंगे कहाँ है। हमारा मानना है अगर वो बनाए हैं तो उस 30,000 किलोमीटर सड़क का पैसा कहाँ गया ये भी रमन सिंह बताए, वो सड़क कहाँ पर है वो भी ये बताए। हम लोग अपने 34,000 किलोमीटर सड़क के एक एक पाई का हिसाब देने के तैयार, नंबर एक। नंबर दो, 15 साल और हमारा मात्र 2 साल, 4 साल होने जा रहा है जिसमें 1.5 साल कोरोना में काम बन रहा, हमारा कार्यकाल सिर्फ 2.5 साल सड़क बनाने में, उनका कार्यकाल 15 साल। 15 साल में अगर सड़कें बना दी गई होती तो हम लोग परफॉर्मेंस गारंटी 5 साल का है, सड़क आज एक भी हमको नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि ये लोग 3 साल परफॉर्मेंस गारंटी रखे थे। हम लोग आए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने निर्देश किया, हम लोगों ने 5 साल परफॉर्मेंस गारंटी किया। सड़कें इतनी अच्छी बन रही हैं, आप बस्तर अंचल जा के देखो सड़कों का जाल कैसा दिखेगा नक्सली मूवमेंट में। कब महसूस होगा छत्तीसगढ़ को कि पुलिस व्यवस्था है? पुलिस व्यवस्था है ये तो छत्तीसगढ़ को हमारी सरकार आने के बाद से महसूस हो चुका है, उसमें कोई नहीं होने वाली बात नहीं है। पुलिस व्यवस्था है, बहुत कारगर है, बहुत अच्छा काम कर रही है। एक व्यक्ति किसी घर में जाके किसी को मारे, उसमें कानून व्यवस्था कहाँ से प्रश्न आ गया? कानून व्यवस्था का होता है कि रोड में चक्का जाम है रहा, घराय हो रहा है, हड़ताल हो रहा है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कानून व्यवस्था की बात आती है। कोई घर के अंदर फांसी लगाएगा उसमें कानून व्यवस्था की बात कहाँ से आता है? अजीब से प्रश्न करते हैं लोग, अजीब से बात उठाते हैं बीजेपी के लोग, जो उनका व्यक्तिगत कोई रंजिश में घर के अंदर अपना मारे उसको, क्या हर घर में हर व्यक्ति पीछे कोई पुलिस तो लगाता नहीं? पुलिस का जो काम है सख्ती कर रही है, उसको कल घटना हुआ रात में, बीती उसके पहले सुबह जानकारी हुआ, तत्काल पुलिस फोर्स गई, फॉरेंसिक गया, लैब वाले गए, सारे लोग गए, जांच कर रहे हैं, और SP ने बयान भी दे दिया है कि वो आपसी है भाई भाई के अंदर पैसे के विषय में या और कुछ विषय में, 3 लोगों के साथ बैठ के लोग दारू पिए हैं, उसका 5 लाख रुपया निकाले हैं, छोटे भाई से 5 लाख रुपया जब्त भी हो गया है, उसमें खून के छींटे भी आए हैं, जूतों में कीचड़ भी आया है, 2 आदमी उड़ीसा की हैं, उड़ीसा की ओर भागे, उनके लिए हमारी टीम उसी समय रवाना कर दी गई है। मंत्री जी, रायपुर में आपने एक कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें स्पष्ट कहा है कि मुझे मालूम है कि ये है जुआ चलाने वाला, ये सट्टा चलाने वाला, ड्रग चलाने वाले, तो 2 लोगों को तो कार्रवाई हुई है जुआ और सट्टा, ड्रग वालों का भी नाम बता दीजिए ना। नहीं, नाम हम लोग अपने अधिकारियों को देते हैं, इसको ओपन नहीं करते। तो अभी तक तो कार्रवाई सामने आई, कार्रवाई सब हो रही है, कुछ चीज़ें क्या है, बड़ा सट्टा जो दुबई से जुड़ा तार था वो वाला आपका सामने इसलिए आया, महादेवन वाला, कि काफ़ी
बड़ा चल रहा था इसलिए, लेकिन कार्यवाही सतत प्रक्रिया में है, कहीं कुछ नहीं। आप दुर्ग में देखें, रायपुर में देखें, सभी जगह तेज कार्रवाई चल रही है। बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ का सबसे कम है, 0.48, जिस पर हम नाच कर रहे हैं आजकल। लेकिन जब पीएससी की भर्तियां होती है, आवेदन मंगाए जाते हैं, वृत्त के लिए 8.5 लाख आवेदन आए हैं। टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में 5 लाख आवेदन आए हैं। तो जब उतना बेरोजगारी कम है तो फिर ये आवेदन सही है कि वो सही है? नहीं, आवेदन भी सही है और बेरोजगारी दर इतना कम है वो भी सही है। बेरोजगारी दर जो अपन लेते हैं, पढ़े लिखे कहीं लेते हैं ऐसा नहीं, जो नहीं पढ़ा है बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम नहीं है वो भी उसमें आता है। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद बेरोजगारों को जो काम दिया जा रहा है उसके कारण बेरोजगारी दर कम है। आप देखेंगे, एक सिंपल छोटा सा गौठान भर का उदाहरण ले लो, कितने लोगों को हम वहाँ रोजगार दे रहे हैं, 150-200 महिलाओं को। तो पूरे छत्तीसगढ़ में कितने गौठान हैं और उसमें सब में 100-150-200 महिलाएं या नौजवान काम कर रहे हैं, तो कितने लाख आदमियों को हमने रोजगार दिया। तो बेरोजगारी दर उसमें कम होता है। अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे पीएससी की या टीचर की, पढ़े लिखे लोग उसमें अप्लाई करते हैं, वो अलग चीज़ हुआ। तो सब मिला के बेरोजगारी दर हमारा पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छी स्थिति में है, और सिर्फ हमारी योजनाओं के कारण। नए नए योजना, नए नए कार्यक्रम हम लोगों ने हाथ में लिया और उसके कारण ये सब चीज़ संभव हो पाया है। एक केंद्रीय राज्य मंत्री कुलस्ते कल आए हुए थे, उन्होंने बड़ी बात कही कि कांग्रेस छोड़कर लोग भाग रहे हैं, इसलिए भाजपा के दरवाजे खुले हुए हैं। कांग्रेस छोड़कर तो कोई नहीं भागा अब तक। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कौन भागा? केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब किए हैं। गोवा में कौन भागा अपने होके? तो सारा काम जितना भी आप देखेंगे लालच, मैं तो शायद ऐसा कुछ समय, 1-2 साल 4 साल बाद भाजपा नाम की पार्टी रहेगी, सारे कांग्रेसी रहेंगे वहाँ, क्योंकि वो संस्कृति इनकी फिर खत्म हो जाएगी। वो अच्छा है एक प्रकार, तो नाम भी बदल जाएगा फिर वो भाजपा कांग्रेस। हाँ, देखेंगे हम लोग उस समय। कल मंत्री जी ने एक बयान और दिया है कि छत्तीसगढ़ में यात्री परिवहन रेलगाड़ियां बंद हैं, ये मुझे पहली बार जानकारी मिली। कुलस्ते जी का कल ये बयान है। इसी से पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का या दिल्ली की सरकार का या उनकी पार्टी का क्या हाल है। केंद्रीय रेल केंद्रीय विभाग है और लगातार यात्री ट्रेनें निरस्त की जा रही हैं, लोगों को परेशानियां हो रही है, एक दिन पहले निरस्त होने की सूचना दी जाती है। उसके बावजूद कोल संकट फैक्ट्रियों में बना हुआ है, मालगाड़ी में भेजने के बावजूद। तो ये उनका प्रबंधन ठीक नहीं है। अभी तो देखेंगे आप, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारे सरकार के अंदर में जितनी चीज़ें आती हैं, सारे विभागों में हमारा प्रबंधन बहुत बेहतरीन है। रोजाना मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं, हर विभागों की जानकारियां लेते रहते हैं, निर्देश देते रहते हैं, इसलिए बेहतर प्रबंधन छत्तीसगढ़ की सरकार में है। अंतिम सवाल कि 2014-17 के बीच में पुलिस अधीक्षक कार्यालय मेडिकल घोटाला हुआ था, आज तक जांच नहीं हुई, जबकि PHQ से बराबर लेटर आता है लेकिन जाँच नहीं होती है, क्यों? इस विषय में मैं जानकारी ले लूँगा, क्योंकि तत्काल आपने प्रश्न किया तो इस विषय की तुरंत जानकारी तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं जानकारी लेकर जांच होगी, मैं जानकारी ले लूँ तब तो ना, जांच करने को होगा, जांच होगा, सब चीज़ होगी।